GTA 6 का मैप गेम आने से पहले ही रिवील हो चुका है और अब पता चल रहा है भाई कि GTA 6 का मैप तो GTA 5 से 3 गुना ज्यादा बड़ा है। इस वीडियो में हम GTA 5 और GTA 6 के मैप को तो कंपेयर करेंगे ही, लेकिन साथ ही में एक्सप्लोर करेंगे कुछ बहुत ही एक्साइटिंग लोकेशंस जो कि हमें GTA 6 के मैप के अंदर देखने मिलेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक करना और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना। लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़े, क्या आप फ्लिपकार्ट के बारे में जानते हो? याद रखो दोस्त, तुम रोज हजार बातें भूलते हो। अगर नहीं जानते तो इस टूल की हेल्प से मैं अपने वॉइस को किसी भी लैंग्वेज में चेंज कर सकता हूँ। भरोसा नहीं होता तो अभी सुन लो। इस वीडियो में मैं बोलने वाला हूँ हिंदी, लेकिन तो मैंने अपने वॉइस को ना सिर्फ इंग्लिश बल्कि रशियन में भी बदल दिया, वो भी बिना किसी एफर्ट के। भाई मुझे लिटरली इसके सबटाइटल्स भी चेंज नहीं करने पड़े। इसका यूज केस ये है कि आप मूवीज के क्लिप्स उठा सकते हो और उसे हिंदी लैंग्वेज में कन्वर्ट करके उस पे अपने रिव्यूज दे सकते हो। तो ऐसा सेम कंटेंट बनाने के लिए आपको फ्लिपकार्ट AI वीडियो ट्रांसलेटर पर आ जाना है, जिसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। यहाँ पर सिंपली आपको अपने वीडियो को ड्रैग एंड ड्रॉप करना है एंड यहाँ पे आपको जो भी वॉइस अच्छी लगती है उसे यहाँ से इजीली सेलेक्ट कर लो। साथ ही में आप यहां से लैंग्वेज भी चूज कर सकते हो। वॉइस और लैंग्वेज सेलेक्ट हो जाने के बाद आपको ट्रांसलेट पर क्लिक करना है, जिसके बाद ये थोड़ी बहुत प्रोसेसिंग करेगा और उसके बाद आपकी वीडियो हो जाएगी रेडी। और आप देख सकते हो इसने ऑटोमेटिकली सबटाइटल्स भी जनरेट कर दिए हैं जो कि बिल्कुल एक्यूरेट है। तो फ्लिपकार्ट AI वीडियो ट्रांसलेटर का लिंक मैंने दे दिया है डिस्क्रिप्शन में, जाओ और इसे चेकआउट जरूर करो। अब ये जो मैप है इसे बनाया है बहुत ही टैलेंटेड लोगों की टीम ने, जिन्होंने सिर्फ कुछ ही स्क्रीनशॉट्स और पिछले साल के लीक गेम प्ले से ही पूरा मैप ही ट्रेस कर दिया, जिसका शेप कुछ इस तरीके का दिख रहा है। अगर आपको लगता है कि ये मैप गलत हो सकता है तो एक बार फिर सोच लो, क्योंकि GTA 5 के आने से पहले भी फैंस ने ऐसा ही मैपिंग प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था और उस टाइम पे भी फैन मेड मैप रियल वाले से बहुत ज्यादा सिमिलर था। तो ऐसा कहा जा सकता है कि अभी जो आप मैप देख रहे हो ये GTA 6 का ही मैप है। इनफैक्ट आप देखोगे तो इस मैप में बहुत सारे व्हाइट डॉट्स हैं और ये व्हाइट डॉट्स उन लोकेशंस के हैं जो कि हमने लीक गेम प्ले के अंदर देखा था। तो मैप का जो शेप है वो रियल लाइफ के फ्लोरिडा और लीक्स पर ही बेस्ड है। लेकिन रिसेंटली डार्क स्पेस नाम का एक यूट्यूबर है जिसने इस मैप और GTA 6 के ट्रेलर में जो लोकेशंस दिखाए गए उन दोनों को मिलाकर मैप का एक 3D मॉडल बनाया है। सबसे पहले आप देख सकते हो ये बीच वाला एरिया है जिससे कैमरा पैन होकर डॉक्स वाले एरिया पर जाता है, फिर 500 बेकर वाले बिल्डिंग को दिखाया जाता है, देन कसिया सेंटर और फिर फ्लोरिडा कीज को। और ये सब कुछ देखकर पता चल रहा है कि सिर्फ सिटी वाला ही एरिया कितना ज्यादा बड़ा है। अगर मैं आपको कंपैरिजन दिखाऊं तो ये GTA 6 का मैप है, उसके बगल में अगर GTA 5 का मैप रखा जाए तो ये बहुत छोटा लगता है, क्योंकि GTA 5 में तो बस सिटी का पार्ट इतना ही है, बाकी जगह तो माउंटेन्स ही माउंटेन्स। इनफैक्ट यहाँ पर GTA 5 और GTA 4 दोनों के ही मैप को कंबाइन करके रख दिया जाए तो भी ये GTA 6 के कंपैरिजन में छोटे ही लगते हैं। लेकिन अभी आपने पूरी लोकेशंस देखी ही कहाँ, ये तो बस सिटी का पार्ट था जिसे डार्क स्पेस ने बनाया था। लेकिन लीक्स में तो ऑलरेडी पूरा मैप ही बन चुका है, तो ये रहा असली मैप। सबसे पहले देखते हैं राइट साइड वाले आइलैंड को, जो कि दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, बे शोर और वाइस बीच। वाइस बीच के लेफ्ट कॉर्नर में जितने भी बिल्डिंग्स हैं वो गेम के अंदर दिखाए गए थे और उनके जो नाम है वो रियल लाइफ से नहीं बल्कि गेम के अंदर से ही लिए गए, जैसे कि द वेवरली, द फ्लोरिडियन, बेंटले बे कॉन्डोज, आइकन कॉन्डोमियम, मुरानो ग्रैंडे, अपोजी साउथ बीच, पोर्टोफिनो टावर, साउथ पोंटे टावर। वाइस बीच से अगर हम साउथ बीच और ओशन ड्राइव वाले एरिया में जाएं तो यहाँ होटल ही होटल है, जैसे कि ओशन व्यू होटल, होटल डिक्सन, एटलांटिस होटल, होटल नेपच्यून, एडिसन होटल, और यहाँ पे होटल की कमी तो नहीं है भाई। फिर अगर हम सेम आइलैंड में ऊपर की तरफ देखें तो इसका नाम है बेशोर। अब लोकेशन का नाम तो कंफर्म्ड है, लेकिन बाकी बिल्डिंग्स जो रेड से मार्क्ड हैं वो स्पेक्यूलेशन है। ग्रीन डायमंड, ब्लू डायमंड नाम के जो बिल्डिंग्स हैं ये रियल लाइफ में तो एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन ये यहाँ पर होंगे या फिर नहीं वो हमें एग्जैक्टली नहीं पता चला। ऊपर की साइड में हमें वॉशिंगटन बीच भी देखने मिलेगा। फिर अगर आप नीचे की साइड में देखोगे तो यहाँ पर वाई सिटी पोर्ट है जो कि हमने ट्रेलर में भी देखा है। कुछ छोटे आइलैंड्स भी हैं यहाँ पर, जैसे कि फिशर आइलैंड, फेरी आइलैंड जो कि दो छोटे छोटे आइलैंड्स हैं, फिर स्टार आइलैंड, एक और छोटा सा आइलैंड है जिसका नाम है फ्लैगलर मेमोरियल आइलैंड, पता नहीं क्या ही होगा यहाँ पर। फिर आते हैं तीन बड़े आइलैंड पर जिन्हें वेनिशियन आइलैंड्स बोला जाता है रियल लाइफ। अब ये भी रेड से मार्क्ड है यानी कि स्पेक्यूलेशन, जिसका मतलब ये है कि वेनिशियन आइलैंड का इन गेम नाम कुछ और हो सकता है, जैसे कि वाई सिटी में इसका नाम था स्टारफिश आइलैंड। इस आइलैंड पे एक बहुत ही बड़ी बिल्डिंग दिखी गई जिसका नाम है थाउजेंड वेनिशियन। लेफ्ट साइड में जो बिल्डिंग है इसका नाम है वेनिशियन आइल कॉन्डोज। फिर ये जो वेनिशियन आइलैंड है ये तीन पार्ट्स में डिवाइडेड है और यही रीजन है कि इसे ट्रेलर में भी दिखाया गया है। ऊपर के साइड में एक और आइलैंड है जिसका नाम है सनसेट आइलैंड्स, और इस आइलैंड की खास बात यह है कि यहाँ हम बोट्स और याट चोरी कर पाएंगे। तो अभी आप देख सकते हो हमने मैप को थोड़ा सा ही कवर किया है, लेकिन ऑलरेडी कितने सारे आइलैंड्स और बड़े बड़े लोकेशंस रिवील होते जा रहे हैं। लेकिन अभी देखते जाओ आगे क्या क्या मिलने वाला है। नीचे के साइड एक और आइलैंड है जिसका नाम है वॉटसन आइलैंड, फिर वाई सिटी पोर्ट के नीचे एक और आइलैंड है ब्रिकल की नाम का, और इसके नीचे भी एक और आइलैंड है लीफलिंग्स नाम का जिसपे है कार्डन पार्क टेनिस सेंटर। फिर इसके नीचे आप देखते जाओ कितने सारे छोटे छोटे आइलैंड्स हैं।
1, 2, 3, 4, 5 भाई लिटरली यहाँ पे 10 से 15 आइलैंड्स तो होंगे ही। आई एम श्योर इन आइलैंड्स पे हम ज्यादा कुछ तो नहीं लेकिन हंटिंग जरूर कर पाएंगे। और नीचे आया जाए तो यहाँ पे और भी ज्यादा आइलैंड स्टार्ट हो जाते हैं और फिर इन पूरे आइलैंड्स का नाम गेटर कीज होगा जो कि रियल लाइफ में फ्लोरिडा कीज है। 2022 के लीड गेम प्लेज में जेसन इस एग्जैक्ट लोकेशन में स्विमिंग कर रहा था और ट्रेलर में भी इस लोकेशन को दिखाया गया जहां पर एक ब्लिंप है जिसका यूज करके रियल लाइफ में ड्रग स्मगलर्स को पकड़ा जाता है। अब ट्रेलर में तो हमें यहाँ से आगे की चीजें दिखाई गई लेकिन इसके पीछे सनडाउन नाम की इतनी बड़ी लोकेशन और भी है। ओके, तो अभी हमने वाइस बीच, साउथ बीच, वाइस सिटी, पोर्ट और गेम के सारे आइलैंड्स कवर किए हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं आपको मैप के दूसरे पार्ट्स दिखाऊं, अभी जो आप रेड लाइन देख रहे हो ये ट्रेन ट्रैक्स हैं जो आइलैंड्स टू आइलैंड्स और सिटी टू सिटी कनेक्ट करेंगे। फिर आपको येलो और डार्क येलो लाइन दिख रही होगी जो कि मेट्रो के लिए है। तो भाई अब समझ जाओ और खुश भी हो जाओ क्योंकि कुछ लोग अभी भी ऐसे हैं जो कि सोचते हैं कि GTA 6 में ट्रेन वगैरह नहीं होगी। तो ये मैंने उनके लिए बताया, भाई GTA 6 के अंदर ट्रेन, ट्रैम सब कुछ होने वाला है। अब फिर से ऊपर की साइड पर आया जाए तो यहाँ पर 5 बड़े बड़े एरियाज हैं जैसे कि लिटिल हेटी, स्टॉक यार्ड, रॉक रिज, क्रॉस टाउन एंड VCI एयरपोर्ट। लिटिल हेटी वही वाला एरिया है जहाँ पे बाइक वाले शॉट को दिखाया गया था ट्रेलर में और ये ना थोड़ा विलेज जैसा या फिर आप कह सकते हो अनडेवलप्ड एरिया है। फिर आगे के साइड पर आपको दिखेगा कसिया अरेना सेंटर और ये भी हमने ट्रेलर के अंदर देखा था। नीचे के साइड में है FPL MP थिएटर एंड काफी सारे म्यूजियम्स। फिर थोड़ा और नीचे आने पर हमें मिलेगा वाइस सिटी का मेट्रो स्टेशन जो कि हमने लीक में भी देखा था और ये ट्रेलर वाले ब्रिकल टावर्स के काफी पास में होगा। नीचे की साइड में 3 और बड़े लोकेशंस हैं जैसे कि ब्रिकल, वेस्ट पेरिन और हैमलेट। ब्रिकल में तो शायद अपार्टमेंट्स और मेट्रो ही होगा लेकिन नीचे के पार्टनर जैसे कि वेस्ट पेरिन और हैमलेट ये थोड़े से इंडस्ट्रियल या फिर सिटी के बाहर वाले एरिया लगते हैं। लेफ्ट के साइड में आए तो हमें यहाँ पर दिखता है हैमलेट करेक्शन इंस्टीट्यूशन जहाँ हमने लुसिया को देखा था ट्रेलर में। फिर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट और ये भी हमने देखा था ट्रेलर में। नीचे के साइड में ग्रास रिवर नाम की लोकेशन है जो कि एवरग्लेड्स हो सकती है रियल लाइफ की। अब हमने ऑलमोस्ट मैप कवर कर लिया है तो अब चलते हैं टॉप लेफ्ट में और यहाँ पे है पोर्ट गैलोन जो कि ऑफ कोर्स सिटी से बाहर का एरिया है। पोर्ट गैलोन में एक पॉन शॉप है जिसे हमने ट्रेलर में भी देखा था। अब इस लोकेशन पे ना पोर्ट गैलोन नाम का एक होटल भी है जहाँ पर जेसन एंड लुसिया रुकते भी हैं और ये जो शॉट आप देख रहे हो ये इसी होटल का है। ये सब कुछ हमें पता चल गया था लीक गेम प्लेस के अंदर। ऊपर के साइड पर हैंग्स वॉफर डाइनर है और जेसन एंड लुसिया इसकी भी रॉबरी करते देखे जा सकते हैं पिछले साल के लीक गेम प्लेस में। मुझे तो लगता है गेम के किसी पार्ट में जेसन एंड लुसिया शहर से बाहर पोर्ट गैलोन आएंगे और यहाँ आकर होटल रेंट करेंगे। इसके बाद आसपास के जितने भी स्टोर्स होंगे वो उन्हें रॉब करना स्टार्ट कर देंगे। ये लीड गेम प्लेस में भी दिखा था और अब इसे ट्रेलर में भी देखा गया। और ऊपर के साइड में हमें हैंक हिल, डोम्ड हिल, रेड हिल और फेरी लैंड फॉरेस्ट भी देखने मिलता है और पूरे मैप के बीच में एक बहुत ही बड़ा सा लेक है जिसका नाम है लेक लियोनाइडा। तो इसी के साथ हमने GTA 6 का करंट सबसे अपडेटेड मैप देख लिया जो कि इतना बड़ा लग रहा है कि शायद गेम आने पे महीनों लग जाए सारी लोकेशंस एक्सप्लोर करने में। कंपैरिजन के लिए मैंने यहाँ पे GTA 5 का मैप रखा है और आप देख सकते हो ये कितना छोटा लग रहा है क्योंकि GTA 5 की सिटी तो बस इतनी सी ही है, बाकी का सारा मैप माउंटेन से घिरा हुआ है। इसी के साथ अगर देखा जाए तो ट्रेलर और लीक गेम प्ले को देखने के बाद भी हमें अभी तक पता नहीं चल पाया कि पोर्ट गैलोन और वाई सिटी के बीच में जो एम्प्टी एरिया है वहाँ पर क्या होगा। ये शायद हमें तभी पता चलेगा जब ट्रेलर 2 आएगा या फिर कुछ ऑफिशियल स्क्रीनशॉट्स रिलीज किए जाएंगे। लेकिन मैपिंग प्रोजेक्ट के कुछ मेंबर्स ने ऑलरेडी दिखा दिया है कि फाइनल मैप कैसा दिख सकता है और आप एक बार देखो इस मैप को, ये कितना सही लग रहा है देखने में। अगर GTA 6 के आने के बाद इसका मैप सच में इतना ज्यादा पॉपुलेटेड हुआ तो फिर GTA Online तो सिर्फ 10 ही साल चला, ये तो 15 साल चलेगी। एंड हाँ, जिसे नहीं पता तो GTA 6 में बर्मुडा ट्रायंगल भी होने वाला है। रियल लाइफ में भी बर्मुडा ट्रायंगल मायमी के कुछ किलोमीटर दूर से ही स्टार्ट हो जाता है तो हमें गेम में ये देखने पर काफी मजा आने वाला है कि वहाँ पर प्लेन्स और बोट ले जाने पर क्या होता है। वेल गाइज, यही था इस वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना ऐसे ही गेमिंग से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।